एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उसमें उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ओके, और उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस हर बार यानी एवरी ईयर प्रत्येक साल पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, या तो सिंगल क्वेश्चंस के रूप में अथवा मैच करने के रूप में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे। और इस बार यूपीपीसीएस 2023 में यहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा अधिक, क्वेश्चनों की संख्या अधिक रहेगी क्योंकि यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं और आप लोग क्लास का यानी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिसे अपडेट तत्काल आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपी स्पेशल के बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट्स पर भी जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि समय बहुत कम है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको वहां से क्वेश्चन श्योर एज सर्टेन मिले, ओके। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियां, अब उत्तर प्रदेश की जनजातियों को हम लोग मैप के साथ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मैप के साथ डिस्कस करने से ये रहता है कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में, पूर्वांचल के क्षेत्र में या पश्चिमांचल के क्षेत्र में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में उन जनजातियों का निवास है, उसके आधार पर आप उन जिलों को भी चिन्हित कर लेंगे क्योंकि जिला भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी जनजातियां किन क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट अथवा जनपद में निवास करती हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चंस गलत नहीं होता होगा, ओके। तो आइए उत्तर प्रदेश की जनजातियां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जनजाति है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो है थारू। थारू जनजातियां यह किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, तो उत्तर प्रदेश का जो हिमालयी बेल्ट है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है हिमालयी बेल्ट जो आप कह सकते हैं कि यह नेपाल देश के साथ साथ अथवा हिमालय के क्षेत्रों से जो स्पर्श है, निचले क्षेत्रों से स्पर्श है, वही तराई बेल्ट है। और यह थारू जनजातियां खीरी जनपद से लेकर के महाराजगंज यानी नेपाल के बॉर्डर उत्तर क्षेत्रों में हिमालय से लगी सीमाओं, हिमालय पर्वत चोटी से लगी सीमाओं या हिमालय रेंज से लगे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले है, इसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। और खीरी से जनपद से लेकर के यहाँ तक महाराजगंज तक के क्षेत्रों में, गोरखपुर तक के क्षेत्रों तक यह जनजातियां निवास करती हैं, ओके। और डिटेल हम लोग इसके बाद एक एक जनजातियों को हम लोग और डिटेल देखा जाएगा, ओके। और इन जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और साथ साथ यह हिंदू त्योहारों को भी मनाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदू त्योहारों में यह दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर डिटेल एक एक जनजातियों का हम लोग डिस्कस करेंगे। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी जनजाति है बुक्सा अथवा इसे भोक्सा भी कहते हैं, भोक्सा के नाम से भी जाना जाता है। यह बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है। बिजनौर क्षेत्र से तात्पर्य उत्तराखंड का बॉर्डर जो है, यह बिजनौर जनपद है, उत्तराखंड का जो ये बॉर्डर है, बिजनौर जनपद सीमा बनाता है, ओके। इन क्षेत्रों में विशेषकर आप यह भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर या बेल्ट में इन जनजातियों का निवास है, ओके। तो हमेशा ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुक्सा जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं, क्योंकि इनका स्पेसिफिक एक एरिया है, एक निश्चित एरिया है, इसलिए यहां से पूछ देता है। तो इसका आंसर आप करेंगे बिजनौर जनपद, ओके। अगला है खरवार। खरवार जनजातियां जो निवास करती हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जनपद में। अब देखिए मैप में अगर देखेंगे तो यह मिर्जापुर है और यह सोनभद्र है, तो यह सोनभद्र जनपद में ये जनजातियां निवास करती हैं, ओके। अगला है माहीगीर जनजातियां। माहीगीर जनजातियां भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद या बिजनौर क्षेत्र में निवास करती हैं, ओके।
अगला है जौनसारी, और यह भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगला है गोंड, धुरिया, नायक, पथारी, ओझा। अब यह जनजातियां आप लोग देखेंगे तो यह जनजातियां उत्तर प्रदेश के, विशेषकर आप कह सकते हैं ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में निवास करती हैं, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती हैं ये जनजातियां, गोंड, धुरिया, नायक, पथारी और ओझा। यहाँ पर जनपद को अगर देखा जाए कि किन क्षेत्र जनपद में इनका निवास क्षेत्र है तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती दो बार हो गया है कोई बात नहीं है, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। यानी आप कह सकते हैं कि यह सारे जिले जो है, अब मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये सारे जिले पूर्वांचल के हैं, तो पूर्वी क्षेत्रों में ये जिले निवास, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ये जिले हैं या पूर्वांचल के ये जिले हैं। इसलिए इस आधार पर गोंड, धुरिया, नायक, पथारी और ओझा जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है वह पूर्वांचल है। ओके, तो ये एक याद करने का या कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक मैप का तरीका सबसे अच्छा है। आप लोग हमेशा मैप से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर याद करते हैं तो याद करने पर थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो पढ़िए और बाई मैप उसे समझने का प्रयास करिए, साइंटिफिक रूप में स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक जनजाति है सहरिया, तो सहरिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह देखिए स्पेशली जो ये बुंदेलखंड का यहाँ पे क्षेत्र कहते हैं, बुंदेलखंड में कुल 7 जिले पड़ते हैं, तो यह स्पेशली ललितपुर का ये क्षेत्र है, जो नीचे का ये जिला है यह ललितपुर है। ओके, यह ललितपुर क्षेत्र पड़ता है या ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है। तो सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में निवास करती हैं या ललितपुर के क्षेत्रों में बसी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ जनजातियां हैं कि सोनभद्र में देख लिया जाए कि कौन कौन से जनजातियां निवास करती हैं स्पेसिफिक, तो परहिया जनजाति यह सोनभद्र में, बैंगा जनजाति यह भी सोनभद्र में, अगरिया जनजाति यह भी सोनभद्र में, पटारी जनजाति यह भी सोनभद्र में, और चेरू जनजाति यह भी सोनभद्र में, भूया जनजाति यह भी सोनभद्र में, और पानिका जनजाति यह भी सोनभद्र जनपद में निवास करती है। ओके, अब आप यह भी कह सकते हैं एग्जाम में आता है तो आपको सोनभद्र ही ट्रिक करना है, लेकिन सोनभद्र से लगे जो मिर्जापुर जिला है, ओके, चंदौली है, तो इन क्षेत्रों में भी ये जनजातियां निवास करती है, लेकिन सोनभद्र में इनकी डेंसिटी कह लीजिए अधिक है, या जो इनके संख्या है वह सोनभद्र जिले में अधिक पाया जाता है, या सेंटर कह लीजिए, केंद्र इनके निवास का केंद्र बिंदु जो है वह सोनभद्र जनपद है, इसलिए आपको एग्जाम में सोनभद्र को ही ट्रिक करना है। ओके, तो यह सारी जनजातियां हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम लोग एक एक जनजातियों को डिटेल यानी विस्तृत पढ़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ जनजातियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वहां से उनके जीवन, आप कह लीजिए दिनचर्या कह लीजिए, उनके फेस्टिवल यानी उत्सव कह लीजिए, त्योहार, और वह किस वंश से बिलोंग करते हैं, वह क्षत्रिय वर्ण से, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं अथवा वैश्य वर्ण से अथवा शूद्र वर्ण से, यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, किस त्यौहार को वह ज्यादा मनाते हैं, किस भगवान की पूजा यानी गॉड की पूजा, डेटी की पूजा वो करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इस पर भी हम लोग डिटेल से डिस्कस किया जाएगा।